जॉन मॉक्सली के नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बनने के बड़े हैं चांसेस, तब भी ब्रॉक लेसनर दिखाई दिए फिर से और जानेंगे क्या कुछ होगा बड़ा कल फ्राइडे स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। आज की वीडियो काफी ऑसम होने वाली है। आज की वीडियो दोस्तों दो भागों में विभाजित रहेगी, जहां दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे फ्राइडे स्मैकडाउन की और उसके बाद जाएंगे दिन की 4 से 5 बड़ी खबरों के ऊपर। बहुत करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा, वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा लगभग 1000 लाइक्स का। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडे स्मैकडाउन की। तो गाइस कल हम लोगों को देखने को मिलने वाली है 11 जून की फ्राइडे स्मैकडाउन, जिसके अंदर कुल मिलाकर 4 से 5 बड़े सेगमेंट कंफर्म हुए हैं। इस बार की फ्राइडे स्मैकडाउन दोस्तों मनी इन द बैंक क्वालिफायर्स की स्मैकडाउन रहेगी, जहां सबसे पहला मैच जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वह दोस्तों वुमेन्स का क्वालिफायर मैच, तो लेसी वंस वर्सेस आली दोस्तों होने जा रहा है। एज वी ऑल नो दोस्तों लेसी वंस इससे पहले रॉ की सुपरस्टार थी, लेकिन अब रॉ से उन्हें फिर से शिफ्ट कर दिया गया है स्मैकडाउन में। ऐसे में दोस्तों उनका ये एक तरीके का रिटर्निंग मैच रहेगा और गाइस इन रिंग रिटर्न वो करेगी, जहां वो जायली को फेस करने वाली है। मनी इन द बैंक क्वालिफायर है और जो जीतेगा वो दोस्तों महिलाओं के मनी इन द बैंक का हिस्सा हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर लेसी वंस विजय प्राप्त करेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा स्मैकडाउन के अंदर वो रहेगा दोस्तों हमारी अपनी ब्लैक हार्ट का, जो कि अलिया को फेस कर सकती है। वह मैच दोस्तों कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इसके चांसेस 99% है, क्योंकि दो हफ्तों से हम देख रहे हैं कि गाइस जो हमारी अपनी ब्लैक हार्ट है कभी अलिया को परेशान कर रही है, कभी अलिया दोस्तों उन्हें परेशान कर रही है। तो इन दोनों न्यू कमर्स का दोस्तों मैच कल की फ्राइडे नाइट में रखा जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों शेंकी एंड जिंदर महल का ब्रेकअप। एज वी ऑल नो शेंकी सिंह को डांस का चस्का लग चुका है, लेकिन जिंदर महल को उनका डांस करना बिल्कुल भी रास नहीं आता है। लास्ट वीक भी दोस्तों जब जिंदर जीत गए थे शेंकी ने नचाने की कोशिश की उन्हें अपने साथ, लेकिन जिंदर को अच्छा नहीं लगा। इस हफ्ते हो सकता है कि जिंदर महल के गुस्से का जो पुल है वो टूट जाए और फाइनली वो शेंकी के ऊपर हील टर्न कर दे, अटैक कर दे। और मेरे हिसाब से दोस्तों शेंकी एंड जिंदर का कल ब्रेकअप हो सकता है, या फिर से शेंकी जो है ठुमके लगाते हुए नजर आएंगे समंता के साथ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को 101% देखने को मिलेगी वो है दोस्तों ड्रू मैकइंटायर वर्सेस शेमस। तो गाइस मनी द बैंक क्वालिफायर रखा गया है। शेमस एंड ड्रू मैकइंटायर काफी अच्छे मित्र हुआ करते थे पास में, लेकिन अब उतने ही बड़े दुश्मन भी है। कल दोस्तों इनका क्वालिफायर रखा गया, जो जीतेगा वो जाएगा मनी इन द बैंक लैडर मैच में। और गाइस बात करूं इस मैच के रिजल्ट की, मेरी गट फीलिंग कहती है कि इस अंदर कोई भी जीत सकता है, हालांकि मेरे फेवरेट इसमें ड्रू मैकइंटायर रहने वाले हैं। चलते अपने दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर, माफ कीजिएगा समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइस वो रहेगा हमारे अपने रिकोशे का, जो कि फेस करने वाले गुंथर को। गाइस इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, एक ऐसा मैच जो कि दोस्तों हमें कल देखने को मिलने जा रहा है, जिसे डब्ल्यू वालों ने काफी समय से भुनाने की कोशिश की है। गाइस बहुत मजेदार मैच है, जहां रिकोशे फाइनली गुंथर को फेस करेंगे। गुंथर काफी समय से उन्हें एंड्रयू गुलक को परेशान कर रहे थे, फाइनली मैच बन रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के अंदर टाइटल चेंज हो सकता है, काफ़ी हाई चांसेस है कि गुंथर मैच को जीत जाए, क्योंकि एक अनस्टॉपेबल फोर्स बने हुए हैं। हालांकि देखना होगा ये रिकोशे कैसे उनका सामना करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग से पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बोनस सेगमेंट की। वाइस रोंडा की ओपोनेंट नटालिया नेक्स्ट बन चुकी है। कल हम इन दोनों के मध्य एक बैकस्टेज सेगमेंट, एक बैकस्टेज ब्रॉल या फिर कह लीजिए फेस ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। चलते हैं अब अपने रोमन रेंस वाले सेगमेंट के ऊपर। तो गाइस मैट रिडल कल रोमन रेंस को कॉल आउट करने आने वाले हैं। रॉ के अंदर दोस्तों रिडल ने साफ कर दिया है कि रोमन रेंस को ढूंढ निकालेंगे और बहुत पीटेंगे, रैंडी ऑर्टन का बदला लेंगे। कल हमें चीज देखने को मिल सकती है कि आकर रोमन रेंस को मैच के लिए चैलेंज करे। एज पर रिपोर्ट्स मनी इन द बैंक में इनका मैच जो है वो कैंसिल हो चुका है, तो हो सकता है कि क्या पता कल की स्मैकडाउन में ही इनका एक नॉन टाइटल मैच देखने को मिले। हालांकि देखना होगा ये रोमन रेंस रिडल के इस सो कॉल्ड आउट को कैसी रिप्लाई करते हैं। चलते हैं अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा जुड़ा है खबरों से। वह सबसे पहले खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है रिया रिप्ली से। तो रिया रिप्ली भी हल्की सी इंजर्ड हो चुकी है, दरअसल उनके दांत हाल ही में टूटते हुए बचे। इस बार की दोस्तों जो रॉ थी उसके अंदर रिया रिप्ली नंबर वन कंटेंडर बन गई है वुमन चैंपियनशिप के लिए और आगे जाकर बियांका को फेस करेगी, लेकिन इस सो कॉल्ड फैटल फोर वे मैच के अंदर उन्हें इंजरी आते आते रह गई। दरअसल रिया रिप्ली की खुद की नींव उनके दांतों पर लग गई, जिसके बाद उन्हें डेंटल चेकअप करवाने जाना पड़ गया, जहां दोस्तों पाया गया कि उनके दांत हिल गए, साथ साथ दोस्तों उन्हें अंदर से ब्रूस भी आ रखा है। कुल मिलाकर दोस्तों सिचुएशन यह है कि रिया रिप्ली को ट्रीट कर दिया गया और अगली रॉ के अंदर वो जरूर दिखाई देगी। तो मनी इन द बैंक में दोस्तों रिया कंपीट करने वाली है इंजरी के बावजूद। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। और इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है हमारे अपने ट्राइबल चीफ
रोमन रेंस के उपहास उड़ाने थे। रोमन रेंस ने दोस्तों WWE का मजाक उड़ाया है। हाल ही में दोस्तों WWE ने पोस्ट डाली थी जिसके अंदर वो पूछे थे हु कैन डिथ्रोन रोमन रेंस। इस पर ओवंस ने कहा शेंकी सिंह, लेकिन रोमन रेंस ने दोस्तों नीचे रिप्लाई दिया है और इंस्टाग्राम पर सेपरेट रिप्लाई में दोस्तों जो ट्राइबल चीफ है वो ये चीज लिखे हैं, कीप ड्रीमिंग, यानी कि सपने देखते रहो WWE वालों, मुझे कोई भी डिथ्रोन नहीं कर सकता है। तो इस वक्त देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि कोई नहीं कर पाएगा ट्राइबल चीफ को। आपका क्या ओपिनियन है, कौन वो सुपरस्टार है जो कि आपके अनुसार रोमन रेंस को हरा सकता है, बताइए। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज के बाद जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने कोडी रोड से। तो बहुत से लोग यहाँ कोडी भी कह रहे होंगे कोडी हरा सकते हैं, कोडी की बात करते हैं। कोडी की दोस्तों बीते कल सर्जरी होगी, मैंने आपको बताया, लेकिन अब दोस्तों उनकी हालत पर अपडेट आ चुका है जो कि उनकी वाइफ ने स्वयं दिया है। रैंडी रोड्स ने दोस्तों ये चीज लिखी है, द डॉक्टर जस्ट रिपेयर्ड कोडीज पेक्टोरियल टेंडन विच वॉज टॉर्न कंप्लीटली ऑफ द बोन। यानी कि जो उनकी पैक थी वो दोस्तों जो डॉक्टर्स है उन्होंने रिपेयर कर दी है और आगे वो लिख रही है ही इज ऑन द रोड टू रिकवरी नाउ। यानी कि दोस्तों अब रिटर्न के लिए वो तैयारियां शुरू कर चुके हैं, अभी तो कुछ समय तक वो रेस्ट करेंगे लेकिन उसके बाद दोस्तों रिटर्न के लिए रेडी हो जाएंगे। टाइमलाइन की बात करूं तो मेरे हिसाब से 3-4 महीने तो रिटर्न को लगने ही वाले हैं, साल के अंत तक हमें वो फिर से रेसलिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों शार्लेट फ्लेयर से। तो शार्लेट फ्लेयर पर दोस्तों रूमर ये है कि कलगी स्मैकडाउन का हिस्सा हो सकती है। बात करते हैं क्या वाकई में इस रूमर में दम है या फिर नहीं। तो जी नहीं, इस रूमर में बिल्कुल भी दम नहीं है। दरअसल दोस्तों खबरें यह है कि अंद्रादे जो है वो जल्द AEW का पार्ट होने वाले हैं और ऐसे में प्रयास लगाए जा रहे हैं कि शार्लेट जो कि उनके साथ हाल ही में शादी की है वो भी आ जाएगी और कल की स्मैकडाउन में आ सकती है। लेकिन गाइज एज पर माइक जॉनसन ऑफ PW Insider दिस इज नॉट पॉसिबल। कल की स्मैकडाउन के अंदर रूमर तो है लेकिन कल की स्मैकडाउन में वो नहीं आने वाली है। अभी दोस्तों इंजरी सेल कर रही है जो कि रोंडा ने उन्हें दी थी और इसलिए दोस्तों वो कल की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं होने वाली है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस ने दोस्तों ट्विटर के ऊपर अपना नाम चेंज कर दिया। सेथ ने लिखा सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस। तो क्यों ऐसा उन्होंने किया है, बहुत से लोग कंफ्यूज है आखिर क्या वाकई में फ्रैंकलिन के नाम से जाने जाएंगे, फ्रिकिन की जगह उन्हें फ्रैंकलिन कहना पड़ेगा। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों WWE वालों ने अपना एक लाइव इवेंट एडवर्टाइज किया सोशल मीडिया के ऊपर जिसके अंदर दोस्तों ये चीज लिखे है कि 14 अगस्त को हार्ड रॉक में सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस जो है वो फेस करेंगे इस सुपरस्टार को। फ्रैंकलिन उन्होंने गलती से टाइप कर दिया, जब सेथ को पता चला तो उन्होंने अपना नाम ही उस हिसाब से चेंज कर दिया। तो सेथ का नाम चेंज नहीं हुआ है, बस वो WWE के मजे ले रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अपनी सेगलास न्यूज के ऊपर। सेगलास न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है जुड़े द बेस्ट ब्रॉक लेसनर से। गाइस द बेस्ट ब्रॉक लेसनर के ऊपर ब्रांड न्यू अपडेट आ चुकी है। ब्रॉक लेसनर की साइटनिंग हम लोगों को देखने को मिली है। ब्रांड न्यू पिक में दोस्तों ब्रॉक लेसनर दिखाई दे रहे एक फैन के साथ जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों किसी खुली जगह पर खड़े हुए हैं। आंखों पर चश्मे और लुक दोस्तों सेम टू सेम है, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली है। हालांकि लेसनर काफी अच्छी शेप में दिखाई दे रहे हैं, जैसी रिपोर्ट्स है लेसनर समर स्लैम के आसपास देखने को मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। मेन खबर पर जाने से पहले दोस्तों एक बोनस न्यूज कवर कर देते हैं जो कि हमारी लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से जुड़ी हुई है। और जॉन मॉक्सली के ऊपर ब्रांड न्यू अपडेट आ चुकी है। दरअसल जॉन मॉक्सली जो कि मैंने आपको बताया भी था कि AEW में वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियन की राह पर है वो बनने की। दरअसल इंटरम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए दोस्तों एक तरीके का मैच रखा गया था कल जो कि दोस्तों होना था एक बैटल रॉयल के विनर एंड जॉन मॉक्सली के मध्य। बैटल रॉयल विनर निकले काइल ओ'रायली, फिर उन्होंने जॉन मॉक्सली को फेस किया। ये दोस्तों मेन इवेंट में रखी गई थी फर्ट और काफी ब्रूटल थी। इसके अंदर दोस्तों काइल ओ'रायली की उन्होंने पिन कर दी तब जब उन्होंने लगाया एक तगड़े वाला पैराडाइम शिफ्ट 1-2-3। जॉन मॉक्सली दोस्तों अब फॉरबिडन डोर PPV में पहुंच चुके हैं जहां वो किसी एक जैपनीज सुपरस्टार को फेस करेंगे। अगर उसे वो हरा देते हैं बन जाएंगे AEW इंटरम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है वहां, और अगर आप मॉक्सली के फैन है तो ये खबर आपके लिए थी। चलते हैं अब अपनी मेन खबर के ऊपर। गाइस मेन खबर तो आज के हमारे जुड़ी है वो जुड़े है हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट मैच से। तो गाइस नेक्स्ट PPV मैच उनका किसके खिलाफ होगा ये चीज कंफर्म हो चुकी है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, रोमन रेंस के अगले प्रीमियम लाइव इवेंट अपोनेंट जो रहने वाला है वो रैंडी ऑर्टन है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, एज पर रिपोर्ट्स एज पर डे मेल्जर ये चीज कंफर्म हो चुकी है। रोमन रेंस जो है वो रिडल को फेस नहीं करेंगे लेकिन वो रैंडी ऑर्टन को फेस करने वाले हैं। ये चीज दोस्तों 101% कंफर्म है। रैंडी ऑर्टन की स्टोरी लाइन ऐसी जा रही है कि उन्हें इंजर्ड कर दिया गया है ब्लड लाइन के द्वारा, ऐसे में अभी वो रिटर्न नहीं कर सकते लेकिन इस समर उनका रिटर्न होगा और वो रोमन रेंस को समर स्लैम के लिए
फेस करेंगे। तो यहाँ दोस्तों साफ हो चुका है कि रीडल वर्सेस रोमन टेलीविजन पर हो सकता है, स्मैकडाउन में हो सकता है, बट डे मेल्जर ने चीज साफ कर दी है पेपर व्यू में नहीं होगा। जो प्लान है वो ये कि 30 जुलाई को रोमन वर्सेस जो रैंडी ऑर्टन है वो होना है, होके रहने वाला है। और गाइस समर स्लैम में आप किसे सपोर्ट करेंगे, हमारे ट्राइबल चीफ को या फिर रैंडी ऑर्टन को, ये आज से आपका सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। समथिंग बिग इज कमिंग तो उसका इंतजार जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।